सो हाई क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई अनादर वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रेडिशनल वेयर शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अजियो से ऑर्डर किया है। अजियो पे ना अप टू 90% तक की अभी सेल चल रही है, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अजियो की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा इनबिल्ट कूपन देते हैं अपनी तरफ से। तो जब भी अगर आप अजियो से शॉपिंग करते हैं तो वो इनबिल्ट कूपन यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो उसमें ना आपको काफी अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई हैव ये एम्ब्रॉयडरी फ्लेयर्ड कुर्ता सेट, जिसका फ्रंट ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एकदम सुंदर सा। ये मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद आया एंड इट्स फ्रॉम किमायरा ब्रांड। और ये फुल लॉन्ग कुर्ता मिल जाता है, देन इसके साथ आपको ये इस तरीके से पजामी भी मिल जाएगी जो कि बहुत ही अगेन खूबसूरत सी है। और इन्होंने नीचे बकरम के जगह पे इन्होंने ये बहुत ही अच्छी से एम्ब्रॉयडरी दी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर सी दिख रही है। इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन फैब्रिक है और इसके वहाँ पे 4 कलर अवेलेबल थे, तो आप जरूर चेकआउट करेगा। मैं भी जितने भी प्रोडक्ट इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट करो। नेक्स्ट मेरे पास अगेन एम्ब्रॉयडरी ग्रीन कलर का कुर्ता सेट है, ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कुर्ता है एंड इट्स फ्रॉम गुलमोहर जयपुर, या इट्स फ्रॉम गुलमोहर जयपुर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। इन्होंने ये जो ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। एंड मुझे ना इस तरीके के जो प्रिंटेड कुर्ते होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो ये भी बहुत ही खूबसूरत फुल्ली लॉन्ग मिलेगा और इसका लुक ना इसको पहनने के बाद इतना सुंदर, इतना प्यारा लुक आया ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये ना आपको पूरा नीचे तक नी लाइन तक पूरा प्रिंटेड है, ये बहुत ही खूबसूरत सा है। एंड इसके साथ आपको एक पजामी भी मिल जाती है। मुझे इसका दुपट्टा कुछ खास नहीं लगा बिकॉज इसका जो नेट है वो थोड़ा कड़क नेट है और मुझे ना नेट का दुपट्टा बहुत कम पसंद आता है, मुझे इस टाइप के नेट के दुपट्टेज ना पसंद नहीं आते हैं। सो मैं इससे थोड़ी सी सेटिस्फाई नहीं हूँ। ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी इसका सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड कुर्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये वाला कुर्ता ना अभी कुछ 3-4 दिनों से आउट ऑफ स्टॉक है, सो फिर भी मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अगर मुझसे हो पाएगा तो, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं करूँगी। जब भी ये स्टॉक में आएगा तब मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इसको भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मेरे पास ये बहुत ही सुंदर सा एक लहंगा भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर स्कर्ट टॉप भी बोल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास टॉप एंड स्कर्ट। इसका ये है टॉप जो कि काफ़ी खूबसूरत सा है, इन्होंने यहाँ पे ही आपको एक दुपट्टा अटैच दिया हुआ है जो कि काफ़ी छोटा है बट बहुत ही सुंदर सा है। सो आपको ये इस तरीके से दुपट्टा अटैच मिल जाता है एंड ये है बहुत ही खूबसूरत सा टॉप जो कि हम ब्लाउज बोलेंगे जिसको। सो ये है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज और इसका ये ना काफ़ी डीप नेक ब्लाउज है, तो आपको ये इस तरीके से डीप नेक ब्लाउज मिल जाता है इसमें, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा लुक दे रहा था। तो मैंने इसको ट्राई किया तो ये काफ़ी खूबसूरत सा लुक दे रहा था। इसको मैंने मीडियम साइज में मंगाया। इसका जो फैब्रिक है ना वो पॉलिस्टर जॉर्जेट फैब्रिक है। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने लहंगा दिया हुआ, सॉरी स्कर्ट दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, फ्लेयर्ड लहंगा है और आपको बहुत ही अच्छा सा लुक प्रोवाइड करेगा। मैं साइड में एक क्लिप लगाऊंगी तो आप उसमें फुल लुक मेरा देख पाओगे कि कितना सुंदर लुक दे रहा था मुझे। सो ओवरऑल इसका फैब्रिक तो काफ़ी अच्छा है, मैं अजियो से काफ़ी इम्प्रेस रहती हूँ, उसके ना फैब्रिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं और उसमें ऑलवेज कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलते रहते हैं, तो शॉपिंग करना ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी हो जाती है। सो आई एम वेरी हैप्पी। इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना वो है 4599 रुपीज़ पर, ये 50% ऑफ है राइट नाउ, तो आपको 2300 का पड़ेगा बट ये मुझे जो पड़ा है ना वो 2070 रुपीज़ का पड़ा है। सो आप भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो नेक्स्ट मेरे पास है ये प्रिंटेड राउंड नेक कुर्ता सेट जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड इट्स अगेन फ्रॉम किमायरा। इनके कुर्तेज ना काफ़ी खूबसूरत होते हैं। सो ये रहा बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता। इन्होंने ये जो नेक में ये शिकविन का काम किया हुआ है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक एंड ब्राउन का वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। इसका प्रिंट काफ़ी खूबसूरत सा प्रिंट है। हाँ
कुछ कुछ धागे निकले हुए हैं कहीं कहीं से, बट ठीक है वो चीज़ मैं उतना माइंड नहीं करूँगी। बाकी काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और इनका प्रिंट ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इन्होंने ना ये नीचे लेंथ में बहुत ही प्यारा सा गोटा पट्टी का काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था इसमें। और ये भी ये ना इसका फ्लेयर्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम वेयर करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी वाइब आती है। तो मैंने इसको जब ट्राई किया ना, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। और मैंने जब इसको स्क्रीन पे देखा था तब भी मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पर शायद उन्होंने जब मैंने स्क्रीन पे देखा ना तो ऐसे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बिकॉज वो उन्होंने एकदम पूरा तैयार वैयार होके फ़ोटो क्लिक की हुई ना, तो वो मुझे हल्का सा डिफरेंट लगा कि हाँ ये फ़ोटो में थोड़ा डिफरेंट है, रियल में थोड़ा डिफरेंट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा आया है, मुझे सिमिलर ही लग रहा है। और इसका प्रिंट ना सबसे ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव टाइप का ये प्रिंट लगा। सो अगेन ये बहुत ही खूबसूरत सा है। एंड इन्होंने इसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा दिया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है जिसमें पूरे में प्रिंट हुआ है। और नीचे साइड ये बॉर्डर, इन्होंने बहुत ही प्यारी सी बॉर्डर दी हुई है दोनों साइड, जिसमें अगेन अच्छा खासा प्रिंट दिया हुआ है। और पूरे चारों साइड इन्होंने ये गोटा पट्टी का काम किया हुआ है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। इसमें भी आपको पजामी नहीं मिलने वाली है, पजामी खुद आपको अरेंज करना पड़ेगा। सो मेरे पास है एक और ये ब्लैक कलर का बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड कुर्ता। मुझे ना ब्लैक कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मैंने बहुत टाइम से ना कुछ ब्लैक कलर का ऐसा कुर्ता वगैरह अपने पास स्टॉक में रखा नहीं था, इसलिए मैंने शायद मोस्ट ऑफ दी कुर्ते ब्लैक कलर में ही मंगा लिए हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट, आपको देखो प्रिंट समझ में आ रहा होगा कि कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये वैसे तो ओवरऑल पूरा प्लेन कुर्ता है, इन्होंने ना इसकी नेक की डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सी दी हुई है। सो ये है इसका नेक, जो कि काफ़ी सुंदर सा बनाया हुआ है। और इन्होंने ये जो बैक में ये झूमर वगैरह जो दिए हुए हैं ना, मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, इस टाइप के ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। और इसका जो प्रिंट है ना, सीरियसली इसका जो प्रिंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फुल लॉन्ग लेंथ में मिल जाता है, तो ये पूरा फुल लेंथ लॉन्ग कुर्ता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो ये तो काफ़ी सिंपल सा था, बट इसका दुपट्टा काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। पूरे दुपट्टे में आपको ऐसे डॉटेड प्रिंट मिल जाएंगे, और साइड में आपको इस तरीके का भी कुर्ते से मैचिंग इस तरीके की भी प्रिंट इन्होंने दी हुई है पूरे साइड में। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। सो हाँ, इन्होंने ना पूरे में ऐसे प्यारी सी प्रिंट दी हुई है चारों साइड में, और इन्होंने ये जो डॉटेड प्रिंट दी है ना, ये काफ़ी खूबसूरत सी दिख रही है। बहुत ही प्यारा सा कुर्ता इन्होंने ये दिया हुआ है। सो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, यही इतनी ही मैंने आज कुर्ते ऑर्डर किए थे। और जितने भी मैंने आपको ये कुर्ते दिखाए हैं सबका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड वन मोर थिंग, मैंने आज जो वेयर किया हुआ है ये भी मैंने अजियो से ही ऑर्डर किया था, जिसका नेक काफ़ी सुंदर लगता है मुझे, कि पहनने के बाद मेरा काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही प्यारा सा सटल सा लुक देता है, तो मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त।